अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं टेक्नो इन्फिनिटी। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल से नरेंद्र गोयल जैसा लोगो कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को उसमें कुछ करना नहीं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और उसके बाद बेल के आइकन को भी क्लिक कर दिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आपको उसमें देखिए, अब करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना ये जो फ़ोटो है उसको इनफाइनाइट डिज़ाइन उसमें ओपन कर लेना। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड में बना रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसको फास्ट इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे बोला कि मैंने जो पहले वीडियोस अपलोड करी थी कि बहुत फास्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने आज इसको बहुत ही स्लो मोशन में, मतलब इसका जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी मैं आप सभी को बताऊंगा कि एडिटिंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बात इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें पेशेंस बहुत रखनी है। आराम से एकदम बनाइएगा, टाइम बहुत लगता है इसको बनाने में। मुझे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई इसलिए मुझसे 10 मिनट में बना है, वरना मैं जब स्टार्टिंग में बनाता तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता था, क्योंकि आउटलाइन ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप पेन का टूल जो है वो टूल वाले कॉलम से जा करके ले लीजिएगा। वहाँ से लेने के बाद आप लोग जो इसके हेयर का कलर है वो सेलेक्ट करके पूरे इसके हेयर बियर्ड पूरे हिस्से को आउटलाइन आपको करना है। फिर आउटलाइन करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको फिल कर देंगे। तो फिल करने से क्या होगा, हम लोगों को बार बार पेंट नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ही आसानी से पूरा हिस्सा इसका कलर्ड हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैं आराम आराम से आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा पूरी, आप लोग स्टेप एक एक स्टेप समझ लीजिएगा ताकि आप लोग भी ऐसे ही एडिटिंग खुद की भी कर पाएँ जाके अपने फ़ोटो में मोबाइल में। तो दोस्तों, ये सब देखिए, मैं गेम्स बना चुका हूँ, इन सब की वीडियोस, तो वो सब की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग गेमिंग से रिलेट गेम में इंटरेस्टेड हो, गेम खेलना पसंद हो आपको, तो जा कर के देखिएगा। वरना एडिटिंग की तो मैं वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, वो सब की भी लिंक दे दी है इसके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर के आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और जैसे कि गेम जो मैं बनाता हूँ उसमें एक ख़ास ये बात रहती है कि जैसे मैं नॉर्मल गेम्स के नहीं बनाता हूँ, मैं आपको उसमें हाईली कंप्रेस्ड देता हूँ, जैसे कि उसका जो ओरिजिनल साइज़ होता है उससे कंप्रेस्ड साइज़, उससे कम साइज़ में आप लोगों को देता हूँ गेम। तो वो लोग देखते हैं मेरी और उनको वीडियोस मेरी पसंद भी आती हैं। तो अगर आप लोग को खेलना हो, जैसे कि मैं PSP के, PS1 के, एंड्रॉयड के सबके गेम्स और उनके हैक्स भी आप सबको बताता रहता हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, PS1 का जो टेकन 3 है वो आप अपने फ़ोन में खेल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो देखिए, हमारा इतना हिस्सा को हमने आउटलाइन करके उसको फिल भी कर दिया। अब ये हो जाने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट काम रहेगा इसके ओपेसिटी थोड़ी कम करके इसकी जो शेडिंग है वो सब शेडिंग यहाँ पे हमें थोड़ी, पहले तो ये इसका जो इतना जो हमें थोड़ा सा एरिया हमसे जो कलर्ड हो गया है उसको पहले हम इरेज़र से रिमूव कर देंगे। तो पहले वो मैं कर देता हूँ। ये सब हो जाने के बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि आगे हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, ये लोगों में जैसे कि हमें आइस और इसकी आईब्रोज कुछ नहीं बनानी है, मतलब जो फेस में जितनी भी डिटेल्स हैं वो कुछ नहीं बनानी है, सिर्फ फेस का हिस्सा छोड़ देना, बाकी जिसके कपड़े और जो हेयर्स हैं वो सब चीज़ें दिखा देनी है, बाकी कुछ भी नहीं दिखाना है। तो देखिए, ये सब यहाँ पे आप ऐसे ही इरेज़ कर दीजिएगा और इरेज़ कर देने के बाद आप लोग अपनी लेयर की ओपेसिटी पूरी कर दीजिएगा। अब ये देखिए, ओपेसिटी पूरी होगी। अब यहाँ पे जो आपको थोड़ा पार्ट ख़राब लग रहा हो, जो आपको हटाना हो, वो जाके आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा मतलब इसका जो बियर्ड और इसके हेयर वाला पार्ट है वो पूरा पार्ट हमारा कम्प्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जैसे कि हमें इसके हेयर पे शेडिंग भी देनी रहेगी, अभी कई सारे कलर्स हम लोग शेडिंग देंगे, तो पहले क्लियरली इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया, अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। और ऐसे आप लोग लेयर को हाइड करके अपनी थोड़ी क्लियरिटी ला सकते हैं, अच्छे से एकदम हटाएंगे, हाइड करके एकदम आराम से काम आप करिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। तो ऐसे देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। अब ये हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट काम अपना करेंगे कि इसके हेयर पे एक न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद इसके सबसे पहले फेस की आउटलाइन पूरी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे आके। तो हम लोग अपना पहले ब्रश चेंज कर लेते हैं, वो फेस की नहीं, हम लोग पहले इसके, हाँ, फेस की आउटलाइन करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने लेयर वो नीचे कर लिए,
तो जिससे कि वो हेयर के ऊपर नहीं आएगी। तो देखिए मैं हेयर में इसीलिए आउटलाइन बड़ी बड़ी ली, ज़्यादा मुझे आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने सिर्फ यहाँ पे इसकी जो बियर्ड ईयर्ड का हिस्सा उसी पे सीधा लिए ले रहा हूँ, ताकि वो उन सब पे आएगा नहीं, उनके नीचे ही आएगा, तो उतनी डिटेल मुझे बनानी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मैंने लेयर नीचे इसलिए करी है कि वो नीचे जो फेस वाली लेयर है वो नीचे रहेगी और हेयर वाली लेयर ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। जैसे अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आप लोग को ये अभी खुद समझ में आ जाएगा जब मैं इसको फिल करके वाली हेयर वाली लेयर को विजिबल कर दूंगा। जैसे मैं बियर्ड पे ये बनाए दे रहा हूँ, तो इससे मैं आसानी हम लोगों के काम में हो जाएगी कि हम लोगों को ज़्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ेगी इस पर। तो ये ऐसे देख लीजिएगा आप, पहले ये यहाँ पे आकर के इसको पहले मिला देता हूँ। अब इसको मैं जब फिल कर दूंगा, देखिए मैंने फिल हो गया, फिल हो जाने के बाद अब जैसे मैं उसको विजिबल करूँगा ये देखिए, तो इसीलिए मैंने उस लेयर को नीचे रखा था, इसको ऊपर रखा था। अब ये हो जाने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट काम रहेगा, वो आप देख लीजिए, दोनों लेयर को विजिबल कर दिया, एक और नई लेयर ले ली, उसको सबसे ऊपर रखा। अब उसको ऊपर रखने के बाद इसके हेयर्स जिस स्टाइल में हैं, उसी स्टाइल जिस कर्व में हैं, उसी कर्व में हम लोग वैसे ही शेडिंग दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे ही एकदम शेडिंग ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करके, जैसा मन हो और जैसे आपके हेयर हेयर का कलर हो, वैसे ही आप लोग करके सेटिंग, ज़रूर वो सेटिंग कर रहा हूँ, शेडिंग कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आप लोग भी करिए जैसे दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एडिटिंग की मैं बहुत सारी वीडियोस लाता हूँ, सिर्फ एक ही टाइप की नहीं बनाता हूँ, गेमिंग की, एडिटिंग की भी, और नए नए ऐप्स के बारे में भी लाता रहता हूँ। तो वो सब अगर आप लोग को सारे, मतलब समझ ली बहुत सारे चैनल एक जगह ही, आपको बहुत सारी वीडियोस एक जगह मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए हमने यहाँ पे शेडिंग कर दी है पूरी। अभी शेडिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा काम है इसके कपड़ों पे आने का। तो चलिए पहले कपड़ों की इसकी आउटलाइन हम लोग शुरू करते हैं करना। यहाँ पे सबसे नीचे हम लोग ले गए लेयर को। अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब मैंने वाइट वाले से आउटलाइन कर ली उसकी टी शर्ट की। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसकी भी पूरी आउटलाइन करके उसको भी कलर कर दिया, तो वो आप लोगों को दिख गया। मैंने इसीलिए यहाँ पे स्किप कर दिया था, मुझे जो मेन पार्ट था वो दिखाना ज़रूरी था आप लोगों को, कि वो सब दिखाने से। और ये देखिए ये लेयर मैंने इसकी शर्ट वाली लेयर के ऊपर रखी है। अब इससे मैं क्या करूँगा, उससे डार्क कलर से जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे मैं डिटेल्स बना रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी बनाइएगा, आप लोगों को वो तो समझ में आ ही गया होगा कि पूरी एरिया को आउटलाइन करके फिर उसमें बस फिल करना है। अब ये जैसे मैं डिटेल्स बना रहा हूँ, डिटेल वाली लेयर को आपको ऊपर रखना है, तो ऊपर रखेंगे तभी वो दिखेगा, विजिबल होगा, वरना वो आपको क्लियरली भी दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही डिटेल बना लीजिएगा जो आपके कपड़ों में हो। तो इसमें तो ज़्यादा ही डिटेल्स थी तो मैंने बना दी। ये देखिए यहाँ पे हो गया है। अब इसके हो जाने के बाद यहाँ पे जो वाइट वाइट ये दिख रहा है, अभी पहले और भी डिटेल्स बना लेता हूँ, उसके बाद जितनी भी बची हुई डिटेल्स हैं सारी बना लूँगा। और ये बना लेने के बाद देखिए हम लोगों को ये इनफाइनाइट डिज़ाइन में तो हमारा काम लगभग कम्प्लीट हो गया है। तो ये सारी जो मैं दिखा रहा हूँ डिटेल्स, आप लोग ऐसे ही सब कर लीजिएगा। तो ये सब हो जाने के बाद आप लोग पूरा जो मैंने वीडियो को जितना एंड तक दिखाया उतना पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने एक पार्ट नहीं दिखाया, वो आपको जाके पिक्सआर्ट में करना है। करना है कि आपको अपनी इमेज पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद पिक्सआर्ट में ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो तो आप सब क्रॉप कर ही लेंगे पिक्सआर्ट से, वो सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एफ़ेक्ट्स में जाना है। एफ़ेक्ट्स में जाने के बाद ऑयल पेंट में जाना है, और ऑयल पेंट में जाने के बाद इसके, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा ऑयल पेंट वाला इफेक्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर इरेजर से आप लोग पूरा एरिया इरेज कर देंगे, या फिर ब्रश से आप लोग सिर्फ इसके हेयर के एरिया को कलर कर देंगे, जिससे कि क्या होगा ऑयल पेंट का इफेक्ट सिर्फ इसके हेयर्स में आएगा, तो इसके हेयर काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो वो मैंने पार्ट नहीं दिखाया क्योंकि वरना वीडियो की लेंथ अभी 9 मिनट 57 सेकेंड्स की हुई है, उसके बाद और भी लेंथ इसकी बढ़ सकती थी। तो मैंने कहा उसको ओरली बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे वो करना है, ताकि हेयर की इतनी जो ज़्यादा ही डिटेल दिख रही है वो नहीं दिखेगा, आपका हेयर एकदम अच्छे लगेंगे, और उसमें आपको मन हो इफेक्ट्स भी आप लगा सकते हैं पिक्सआर्ट से। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको ओरली बता दिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए, वरना आप लोग कहेंगे जैसा मैंने दिखाया वैसा लोगों बनाया नहीं, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया। अगर आप लोग वीडियो मत देखें तो बात अलग है, आप लोग ऑयल पेंट वाला मैंने बता दिया, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत किया करिए, इसीलिए मैं बस यहाँ पर बोलता हूँ। तो देखिए ऐसे ही हम लोग पूरा बैकग्राउंड को भी इसके कलर कर देंगे। मुझे कलर कर देने के बाद वैसे ही जैसे मैंने बताया पिक्सआर्ट में ओपन करके आप लोग वहाँ से सिर्फ इसके हेयर पे ऑयल पेंट वाला इफेक्ट लगा दीजिएगा। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।